अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार, आपका स्वागत है यूपी लाइव 100 न्यूज पर। मैं पूनम मंडल आपका स्वागत करती हूँ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। बांदा जनपद के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पशु आश्रम पहुंचकर गाय को गुड़ और चीनी खिलाया तथा गाय के व्यवस्था को जायजा लिया। गया गौशाले यहां से निकलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वहां मरीजों तथा मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक किया, जिसमें सभी के कई प्रकार के दिया निर्देश, जनपद और मंडल की कानून व्यवस्था के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा की गई। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। समाजवादी पार्टी ने किया सभा का आयोजन। बंद जनपद में समाजवादी पार्टी के उन्नाव की कांड को लेकर अशोक लाट चौराहे में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष मोहन साहू ने कहा कि आज समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं रही। रोज बलात्कार जैसी हो रही घटनाओं ने महिलाओं को कमजोर कर दिया, उनकी शक्ति कम हो रही है। जबकि कोई महिला या बेटी घर से बाहर किसी काम को जाती तो उसके परिवार के लोगों सोचते हैं कि उसकी लड़की सुरक्षित घर वापस आएगी या नहीं। उन्नाव की घटना ने सभी को परेशान कर दिया। सरकार के दोषी को सजा देने में देरी न करे और ऐसी सजा दे कि कोई अपराध करने के पहले एक बार सोचे। फाइट मोहन साहू अध्यक्ष नगर पालिका। फाइट धीमा और बाधा सरवा तिवारी की रिपोर्ट। आज जो आप लोगों ने अशोक लाट चौराहे पे थाने पे बैठ कर के समझ क्या है, ये पूरा उन्नाव कांड आत्मा को शांति के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव अशोक लाट चौराहे पे धरना प्रदर्शन कैसा हो रहा है, क्या है ये? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ऐतिहासिक लाट के पीछे शोक सभा का आयोजन जो किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है उन्नाव रेप कांड की सजा होनी चाहिए और उसके परिवार के लोगों को कम से कम एक और उसके परिवार को और हम एक बात और ये भी करते हैं कि योगी जी, अगर आप सरकार को चलाने में आपके हाथ में अगर आप अंकुश नहीं लगा पा रहे कानून पर, तो आप इस्तीफा दे करके और क्या करके गोरखपुर का मत चलाने का काम। एक आह्वान के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि मित्रों, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसलिए मेरे साथियों, कोई भाई अपनी बहन के साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, कोई पिता अपनी पत्नी के साथ
नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। भदोही में आज NH हवाई रूट पर वाराणसी से इलाहाबाद जाने वाली मार्ग पर गोपीगंज के अंतर्गत पर एक गाड़ी मछली भरा हुआ था, जिससे किसी कारण से बस उसमें से मछली गिरने पर इतने लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए NH हवाई पर मछली भरना बीनने के लिए उतर गए। कुछ समय तक जाम लगा रहा। भदोही से सचिन पांडे की रिपोर्ट। आपको अच्छा लगे लाइक करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।